नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार नमस्कार सर। सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा सर। लग रहा है सब लोग आज संडे के दिन ज्वाइन कर गए। चलिए, वेरी नाइस। स्वस्तिका, क्या हाल है? अच्छी हो सर, आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बढ़िया एकदम। चलिए, सो नाइस सब लोग आप आ गए। तो आज हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेमेडीज के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो रेमेडीज जो भी है वो सब शास्त्रोचित है। मतलब कोई रेमेडी ऐसी नहीं है जो अपने आप से बनाई हुई हो या अपने आप से करीबी हो। शास्त्रों से ही ढूंढ के सारी रेमेडी ये की गई है। तो हमारा ही बेसिकली ये आंकलन और संकलन है कि जो इकट्ठा करके कुछ पुराण से, कुछ शास्त्रों से, कुछ वेदों से, उनसे ढूंढ के ये निकाला गया है। और हमारे गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत कृपा रही है कि उन्होंने ये सब चीज़ हमें दी। और ये रेमेडीज बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं। इतनी इफेक्टिव रेमेडीज हैं कि अगर आप करके देखेंगे तो, क्योंकि ये खुद मैंने भी की हुई है अपने ऊपर और मैं जानता हूं कि इसका कितना असर होता है। तो अगर आप ये रेमेडीज करके देखेंगे तो आपके ऊपर रियली बहुत असर होगा, और जिसको भी आप बताएंगे उसको 100% फायदा मिलेगा। कोई दो राय नहीं कि उसको फायदा ना मिले। तो अब इसमें शुरू करते हैं रेमेडीज के बारे में थोड़ा सा। ये आपको शेयर हो ही गया होगा। सर एक क्वेश्चन था, सॉरी। हाय हाँ बोलो बोलो। सर, वो जो कल आपने रिकॉर्डिंग भेजा था ना, आई हाँ थिंक वो ना सर हाफ एन आवर का था, राइट? वो आप एक बार चेक कर लेंगे? आई डोंट नो इफ एवरीवन हैज दो चेक्ड रिकॉर्डिंग इट। होगी ना उसकी तो। दोनों आई है रिकॉर्डिंग तो सर। मेरे पास एक ही थी, आई डोंट नो, मेरे पास तो आधे घंटे की दिख रही थी। ठीक मनीषा भेज देना इनको, तपन को भेज देना रिकॉर्डिंग कौन सी है वाली, ग्रुप है, मैं वो लिंक भेज दूंगी आप में भेज दो, कोई दोबारा दिक्कत से। नहीं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो रेमेडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये श्लोक आता है जब भी रेमेडीज की बात करते हैं। श्लोक क्या आता है? आरोग्यम भास्करा दीक्षेत, धन इच्छेत हुताशना, ज्ञान महेश्वरा इच्छेत, मुक्ति मिच्छेत जनार्दना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यूं कहो कि सारी रेमेडी इसी के अंदर छुपी हुई। वो ये कहते हैं कि आरोग्य की इच्छा सूर्य से करो, आरोग्यम भास्करा दीक्षित, आरोग्य की इच्छा सूर्य से करो, धन की इच्छा यज्ञ अग्नि से करो, धन इच्छेत हुताशना। हम लोग धन के बारे में सोचते हैं कि पूजा किसकी की जाए, क्या ना पूजा की जाए, तो धन की पूजा के लिए अग्नि की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। यज्ञ करना या अग्नि की पूजा करना, हवन करना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा कहलाती है। ज्ञान महेश्वरा इच्छेत, ज्ञान आपको चाहिए तो महादेव से लो, और मुक्ति मिश्रेत जनार्दनाथ, और आपको मोक्ष चाहिए तो भगवान विष्णु से करो। तो तीन तरह की चीजें, चार तरह की चीजें इसमें हैं। जो आरोग्य है, आदमी को हेल्थ चाहिए क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो आदमी को वेल्थ भी चाहिए क्योंकि अपना जीवन में आया है तो उसको कुछ गुजारा भी करना पड़ेगा। उसके लिए बता दिया कि आपको अग्नि को पूजिए। हेल्थ के लिए आपको बोला कि सूर्य का ध्यान रखिए, सूर्य को पूजिए। ज्ञान के लिए बोला आपको शिव को पूजें, और मोक्ष के लिए बोला आपको विष्णु को पूजें। तो आपको चारों चीज मिल जाती है। अगर हेल्थ मिल गई, ज्ञान मिल गया, आरोग्यता मिल गई, और ये धन मिल गया, मोक्ष मिल गया, तो ये सारी चीजें आपको मिल गई तो फिर उसमें कुछ रहता नहीं है। तो ये ही चार चीज, ये श्लोक का एक अर्थ है जो मैंने आपको बताया। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन मीट में बताया था। इसी के हिसाब से हम लोग सारा आगे चलेंगे, और इसी के हिसाब से अलग अलग मंत्र और अलग अलग चीजें दी हुई हैं। बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, ये यंत्र वगैरह सब चीज दिए हुए हैं जो आपको धीरे धीरे सब मालूम चलेंगे। अच्छा, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हम सब सांसारिक लोग हैं, तो हमको आरोग्यता तो चाहिए। ये तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आरोग्यम भास्करा दीक्षेत, संपदा हमारे पास है लेकिन हम आरोग्य नहीं है, रोगी हैं, तो हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं। तो हमें मेहनत करनी होगी, उसके लिए भी हमें यत्न करना होगा कि आरोग्यता में प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी आरोग्यता के लिए। तो हम सब आरोग्य रहे ये बहुत जरूरी है, इसके लिए सूर्य की पूजा बहुत आवश्यक होती है। तो इसके लिए श्लोक में ऑलरेडी बोला गया है कि आरोग्यम भास्करा दीक्षित, जैसे बोला गया है कि आरोग्य सूर्य से प्राप्त होता है, और सूर्य को सभी धर्म वाले मानते हैं। आप किसी भी धर्म वाले को देखेंगे तो वो सूर्य को मानते हैं।
और सूर्य की किरणों से ही कैंसर का इलाज होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेडियोथेरेपी जो होती है वो बेसिकली सूर्य की किरणें ही है। किसी को बड़े होने के बाद सेहत की चिंता है तो उसको जातक के रोज सूर्य की ही आराधना करनी चाहिए और सूर्य की तपस्या करनी चाहिए। किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो उसको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य की तपस्या ही करनी चाहिए। और सूर्य की तपस्या और आराधना बहुत सिंपल है। ओम घणे सूर्याय नमः, इतना सा श्लोक है। अगर आप अजपा जप करते हैं, ये अजपा जप और नियमित जप क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत सिंपल श्लोक है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसका एक हवन करा सकते हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा, किसी भी पंडित जी से, योग्य पंडित जी हो उनको बुला के एक हवन करवा सकते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। फिर आपको बताया कि इसमें क्या है कि आप सूर्य नमस्कार अगर कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, बेस्ट है। अगर कोई जैसे यंग लोग हैं वो तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो थोड़े एजड हैं उनको सूर्य नमस्कार करने प्रॉब्लम है तो वो यूज सूर्य नमस्कार करें। जब एक राउंड हो जाए तो बोलें ओम भास्कराय नमः, जब दूसरा राउंड हो जाए तो बोलें ओम सूर्याय नमः, तीसरा राउंड पूरा हो जाए तो बोले ओम रविये नमः। इस प्रकार 12 नामों का जप करना चाहिए। ये सूर्य के 12 नाम यहाँ पे दिए हैं, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रविये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगे नमः, ओम कुष्णे नमः, ओम मारीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रिय नमः, ओम अकार्य नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये सब सूर्य के नाम दिए हुए हैं सर। अब ये अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो उससे तो बढ़िया कोई चीज नहीं है, लेकिन सूर्य नमस्कार हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, वो तो एज के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो भी 12 राउंड करना, क्योंकि 12 राउंड करने हैं आपको और 12 बार ही आपको सूर्य भगवान का नाम लेना है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम जो है सूर्य को जल दे सकते हैं। अब वृद्ध लोग हैं वो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो उन्हें मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे ओम घणिम सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है, ये हम आगे बताएंगे सारी चीजें आपको। तो इस तरह के मंत्रों का जाप करें जो वृद्ध लोग हैं, जो थोड़ा बड़े हैं या जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो पा रहा है, जिनके पैरों वगैरह में दर्द है, तो उनको ये मंत्र करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, जवान है और कर सकता है, तो सूर्य अगर सूर्य नमस्कार भी ना कर पाए खाली मंत्र कर ले तो आदित्य हृदय स्त्रोत कर ले, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप मतलब देखिए उसके अंदर, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि विद इन 45 डेज यू विल सी द चेंज। अगर आप आदित्य हृदय स्त्रोत करते हैं 45 डेज में आपको एकदम चेंज मिलेगा अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी एनर्जी के अंदर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। तो सूर्य का मंत्र ये आदित्य हृदय स्त्रोत जो है बहुत अच्छा है, हरिवंश पुराण में दिया हुआ है, लास्ट के 2-3 पेज हैं उसमें देख लीजिए, नहीं तो गूगल के अंदर मेंशन है, गूगल में आप टाइप करेंगे आदित्य हृदय स्त्रोत तो चल जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम कान पर लगा के सुनते रहिए हेडफोन आदित्य हृदय स्त्रोत, तो उससे भी बहुत फायदा आपको मिल गया है। और सूर्य की अगर आपने शांति करानी है, कोई मंत्री कराना है जो वैदिक मंत्र होता है, तो उसको तो फिर किसी जाप से ही कराने का फायदा होता है, किसी पंडित से कराने का फायदा होता है, वो तो किसी ब्राह्मण के थ्रू ही कराया जाता है। कहाँ ब्राह्मण के थ्रू कराना है, कहाँ नहीं कराना है, कहाँ अपने आप करना है, वो सब चीजें हमने इसके अंदर आगे बताई। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है, ये वो मंत्र है जिसको ब्राह्मण करते हैं जब पूजा पाठ किया जाता है, तो उसके लिए ये मंत्र है। ये सारा पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, इसलिए कई चीज नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल सुन लीजिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निविश्य नमृतम मर्त्यंचय हिरण्येन सविता स्तनेश देवो याति भुवनानि पश्यन्। यानी ये सूर्य का वैदिक मंत्र है, इसको जन्म से लेकर मृत्यु तक सूर्य की आराधना नहीं छोड़नी चाहिए। कहते तो यही है, वेदों में कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सूर्य की आराधना मत छोड़, जरूर पूजा करो सूर्य। चाहे किसी का सूर्य अच्छा हो कुंडली में, चाहे किसी का सूर्य कुंडली में अच्छा ना हो, सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। और हो सके तो रविवार को व्रत करना चाहिए। बोलते हैं कि सबसे अच्छा व्रत माना जाता है रविवार का व्रत आरोग्यता के लिए, लेकिन हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते, तो कम से कम एक टाइम का नमक छोड़ो। और अगर कोई छोड़ सकता है तो 2 टाइम का नमक छोड़ दो, सिर्फ मीठा खा लो, उससे बहुत बढ़िया है। यही इसके अंदर विधान दिया हुआ है कि अगर 2 टाइम का नमक नहीं छोड़ सकते तो आप 1 टाइम का नमक तो कम से कम छोड़ के इसको कर लीजिए, 1 टाइम फल वगैरह खा लीजिए, 1 टाइम थोड़ा कुछ खा पी लीजिए जो खाना है हल्का नमक से, जो भी फलाहार आपने खाना है अगर आपने खाना है। तो रविवार का व्रत जो है वो बहुत अच्छा व्रत माना गया है, सब व्रतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्रत रविवार के व्रत को माना गया है। और कहा गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सूर्य की आराधना को ना छोड़े किसी भी हालत। जप होता है, जप कहते हैं, जप तो आप समझते ही हैं कि हम लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, जप होती है। जप में 2 चीजें होती हैं, एक जाप होता है, एक अजपा जाप होता है।
ये जप का मतलब है। जप क्या है और जाप क्या है और अजपा जाप क्या है। जप तो हम समझ गए कि भगवान की पूजा करनी है, भगवान का जप करना है, हम लोग कहते हैं भाई चलिए भगवान का जप कीजिए, लेकिन जाप क्या है। जाप वो चीज, वो जप है, जाप वो जप है जो एक नियमित समय पे किया जाता है। कि ये जो पूजा है आपको संध्या में करनी पड़ेगी सूर्यास्त के बाद, या ये जो पूजा है आपको सूर्य उदय से पहले आपको करनी पड़ेगी, या ये इस पूजा जो है आपको सूर्य उदय होते ही करनी पड़ेगी। कुछ पूजाओं का, कुछ चीजों का एक नियमित समय है, उन समय पे ही वो चीज धारण करनी पड़ती है या उस समय पे ही वो चीज करनी पड़ती है। तो ऐसे मंत्र जिनको एक नियमित समय पे किया जाता है उसको जाप बोलते हैं। और ऐसे मंत्र जिनको आप चलते फिरते कर सकते हैं, घूमते फिरते कर सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और अपना गुनगुना रहे हैं, वो अजपा जाप कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अजपा जाप। ये कलयुग वालों के लिए स्पेसिफिकली दिया गया है उसमें वेद में, कि जो कलयुग आएगा तो उसके लिए, चूंकि इंसान के पास इतना ज्यादा बंधनों में बंधना मुश्किल है उसके लिए कि वो नियमित रूप से जप करे, तो उसके लिए स्पेसिफिकली अजपा जप का प्रावधान डाल दिया गया है वेदों में। कि ठीक है आप चलते फिरते जैसे भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अजपा जप का जाप करते रहिए। बहुत सिंपल जाप है, एक छोटा सा मंत्र होता है, उसका जाप आपको करते रहना है, तो वो आपका अजपा जप होता है। बहुत बढ़िया। अभी पीछे एक एग्जाम्पल बता रहे थे, हमारे गुरु जी ही बता रहे थे कि एक लेडी आई थी, उनको बीट से बड़ी एनर्जी थी, गेहूं से, वो नहीं खा पा रही थी, गेहूं से कुछ भी नहीं चीज खा पा रही थी, तो उनको अजपा जप बताया सूर्य का, ओम घनी सूर्याय नमः। 45 दिन उन्होंने किया, उसके बाद उनकी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। अब आप जो मर्जी मानो इस चीज को, उनकी एलर्जी बिल्कुल खत्म हो गई और कई सालों से, कई वर्षों से वो नहीं खा पा रही थी गेहूं की रोटी और गेहूं। और 45 दिन के अंदर जब उन्होंने सूर्य का ये अजपा जप किया तो उससे उनकी एलर्जी खत्म हो गई बिल्कुल, और आज बिल्कुल आराम से वो एक टाइम रोटी खा सकती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये होता है, मंत्रों का असर बहुत होता है। इसको तो आप मान के चलिए, अपने अंदर श्रद्धा से मान के चलिए, 100% असर होगा। अब आते हैं जप का, मैंने आपको बता ही दिया कि दो प्रकार के जप होते हैं, एक नियमित जाप जिसको निश्चित समय पर करते हैं, दूसरे के लिए कोई नियमित समय नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए पत्रिका में अगर कोई ग्रह विशेष पीड़ित हो तो उसका अजपा जप करना चाहिए। आप पत्रिका में देखिए कौन सा ग्रह आपका पीड़ित है, तो उसका अजपा जप आप करो, जरूर करो, तो बड़ा फायदा होता है। हर ग्रह के लिए मंत्र अलग हैं, हर ग्रह के लिए वैदिक मंत्र अलग हैं, हर ग्रह के लिए बीज मंत्र अलग हैं, तो वो सब चीज आपको आगे मालूम चलेंगी, आप पढ़ेंगे सब चीजों को। तो यही है कि कोई ग्रह विशेष पीड़ित हो तो कुंडली में आप देख सकते हैं, कोई ग्रह 8वें भाव में बैठा है, 6ठे 8वें 12वें भाव में है, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, या नीच राशि में बैठ गया और 8वें 12वें भाव में जाके बैठ गया, तो ऐसे ग्रह का दशा आ जाए तो आपको जरूर उसका अजपा जप करना चाहिए। अजपा जप करेंगे तो 100% उसमें, उस दशा को सहने की शक्ति आपके अंदर प्राप्त होगी। सूर्य की उपासना तो वैसे भी जो हम बता रहे हैं, सूर्य की उपासना जितने भी आप लोग ज्योतिष कर रहे हैं, आप सबके लिए सूर्य की उपासना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सूर्य नाड़ी जागृत होती है और सूर्य नाड़ी से आपका ज्योतिष का ज्ञान जागृत होता है। तो सबसे बढ़िया है सूर्य की उपासना ज्योतिषों के लिए। तो जो लोग भी ज्योतिष का काम कर रहे हैं, सूर्य की उपासना मेरे कहने से एक बार करना शुरू करिए, जरूर थोड़ा दिन ये कीजिए, आपको बहुत फर्क मिलेगा देखने के लिए। और आप 2 या 3 महीने बाद मुझसे खुद कहेंगे कि सर जो आपने बताया था, हमारे अंदर ट्रिमेंडस चेंज आया है इस चीज में। देखिए धन के बारे में बताया था आपको कि धन को अग्नि से देखते, धन क्षेत्र उताशन यज्ञ से देखते। पुराने जमाने में, आजकल तो चलो छोड़िए, आजकल तो ऐसा इतना नहीं है, लेकिन जब हम लोग थे तो किसी घर में अगर 2 टाइम चूल्हा ना जले तो कहते थे भैया घर में इनके दरिद्रता है। आज तो 2 टाइम चूल्हा नहीं जलता, आज तो लोग अपना बाहर फास्ट फूड खा लेते हैं, घर में अग्नि जलती नहीं है। ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है, घर में अग्नि को जरूर जलाना चाहिए, अग्नि की सेवा जरूर होनी चाहिए। चाहे तो दीपक के फॉर्म में जलाओ, चाहे खाना बनाते हो उसकी फॉर्म में जलाओ, इवन गैस का चूल्हा भी आप जलाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्नि का जलना बहुत जरूरी है अगर धन आपको चाहिए। अगर जिस घर में अग्नि का प्रयोग नहीं होता तो वहां धन नहीं आ पाता, वहां धन की हमेशा तंगी रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो अग्नि का प्रयोग जरूर करना चाहिए, अग्नि की सेवा होनी चाहिए, यज्ञ हो, घर में हवन करा लो,
सत्यनारायण जी का हवन करा लो, कभी भी 15 दिन में सुंदरकांड करा लो, कोई भी ऐसा हवन करा लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उस चीज से। इससे लक्ष्मी जी की वृद्धि होगी, पक्का लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है इससे, आप ये चीज करके देखिए। घर में दोनों टाइम दीपक जलाने का प्रावधान भी है, दोनों टाइम भोजन बनाने का प्रावधान भी है, तो आग प्रज्वलित होती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि घर में शाम को एक बार हम लोग, ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमको लाइट बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लाइट का जितना उपयोग सदुपयोग करें उतना अच्छा होता है, बट फिर भी एक टाइम कुछ ऐसा होना चाहिए 15-20 मिनट के लिए, सूर्यास्त सूर्य छिपने के बाद या सूर्य छिपते समय, कि जब सारे घर की लाइट जलाए, उससे लक्ष्मी आती है। एक बार जरूर लाइट जलाइए और उससे घर लक्ष्मी आती है। लाइट नहीं है तो दीपक जलाए और एक एक करके सभी कमरों में ले जाए, तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वो बहुत आवश्यक होता है ऐसा करना। इस चीज को करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ज्ञान महेश्वरा दीक्षित, ये हमने पढ़ा भी कि जीवन में कोई भी समस्या है, घर में कोई भी समस्या है, ऑफिस में कोई भी समस्या है, यदि जातक जो है वो आरोग्य है, उसके उसको कोई रोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन भी है, तो जातक ज्ञान के द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। कोई ऑफिस में कोई समस्या आ गई, बॉस से कोई झगड़ा हो गया, या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर जातक हेल्दी है और उसके पास खाने पीने लायक धन भी है अपनी बेसिक नीड पूरा करने के लिए, तो वो अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना कोई ना कोई उसका रास्ता निकाल लेगा। और ज्ञान हमको शिव से प्राप्त होता है, इसलिए शिव की पूजा भी बहुत आवश्यक होती है। अब आप कहेंगे इतनी सारी पूजा बता दी आप लोगों को, ऐसा नहीं है। आप नित्य कर्म प्रकाश की मैं किताब आपको बताऊंगा अभी कुछ दिनों बाद, उस किताब में पढ़ेंगे तो 5-6 श्लोक दिए हुए हैं जो बहुत बढ़िया श्लोक है। इसमें विष्णु जी को भी, शिव जी को भी, दुर्गा माँ को भी, और इस तरीके से ऋषियों को, सप्त ऋषियों को, सनक सनातन को, ऐसे करके याद किया गया है। वो श्लोक आप कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं, आप करेंगे जो उसको, और ज्यादा टाइम नहीं लगता उसके अंदर, करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा होगा जो अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकता होगा भगवान के लिए। 10 मिनट निकालिए और 10 मिनट में काम ये कीजिए, सब कुछ होगा ठीक से। शिव का वैदिक मंत्र हम जानते ही हैं, ओम त्र्यंबकम् यामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिणी पन्ना मृत्यु मोक्षी मां प्रसाद, ये मंत्र तो है ही शिव का। और इसके बाद आता है कि मोक्ष, एटलीस्ट जो लोग 50 से ऊपर हो गए हैं उनको थोड़ा मोक्ष की तैयारी भी करना चालू कर देना चाहिए, तो विष्णु भगवान को भी उनको याद करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप उन्हें करना चाहिए, बहुत सिद्ध मंत्र होता है अगर इस मंत्र को करेंगे तो। चलिए मैं अभी क्या बताऊं कि मोक्ष निश्चित है, हालांकि आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, पर बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप करते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है ये वाला। तो 50 साल के बाद आपको ये भी करना जरूरी है। कितने मंत्र हैं आपके? 5-6 मंत्र हैं, 5-6 मंत्र आपने कर लिए, 10 मिनट भी आपको नहीं लगेगा मुश्किल से, और वो काम आपका हो जाएगा कोई भी। तो ये बहुत जरूरी है जो मैंने बताया, क्योंकि विष्णु जी मोक्ष देते हैं, तो ये आपको बहुत आवश्यक है ये वाला मंत्र। ये सब चीज नोट करके रखिए, आपको सब कुछ ये मिलेगा हालांकि PDF में, तो आप ये सब चीजें अपने घर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं कि जी कि भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाएं या कैसे लाएं? तो भगवान के सामने देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है, उससे आसपास पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ये कहा गया है कि देसी घी या तिल का तेल आप इस्तेमाल करें भगवान के आसपास, तो ज्यादा अच्छा रहेगा वनस्पति किसी और तेल के। अगर कोई देवी की पूजा कर रहा है तो शिव की पूजा आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। अगर कोई माता की पूजा कर रहा है तो शिव की पूजा करनी भी बहुत जरूरी है, माँ दुर्गा देवी की पूजा कर रहा है या माँ पार्वती की पूजा कर रहा है, माँ शक्ति की पूजा कर रहा है, तो शिव की पूजा बहुत आवश्यक है, क्योंकि शिव शक्ति दोनों की आराधना होती है। एक की पूजा करेंगे आप, एक को छोड़ देंगे तो प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, वो ध्यान रखना जरूरी है। कई बार दीपक नहीं होता तो लोग पूछते हैं कि जैसे चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या हम लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, अग्नि के लिए मोमबत्ती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये आता है कि आप लोगों को, मैं अब जानता नहीं, कुछ तो हमारी क्लास के अंदर काफी यूथ लोग हैं, कुछ थोड़े मिडिल एज के हैं, कितने मतलब लोग हैं जिनको मालूम होगा कि भाई उनके कुल देवता, अपना कुल देवी के बारे में
शायद बहुत लोगों को मालूम भी ना हो, कुछ लोगों को मालूम हो सकता है। श्यामल जी, मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड बी नोइंग कि वे कुल देवता और कुल देवी होते हैं। तो कुल देवता और कुल देवी का आपको जरूर एक बार जय बोलना चाहिए दिन के अंदर। अगर आपको अपने कुल देवता या कुल देवी का पता नहीं है तो आप ऐसे ही बोल दीजिए, हमारे कुल देवा या कुल देवता या कुल देवी की जय हो। बस हमारे कुल देवता कुल देवी की जय हो, इतना आप बोल देंगे तो वो भी उचित हो जाता है। ये इसलिए बताया आपको कि ये क्वेश्चन आता है कि जी हमारे तो कुल देवी देवता है नहीं, तो हम कैसे, या हमें को पता नहीं है तो हम कैसे करें। तो उनका ऐसे ही नाम लेके बोल दीजिए कि हमारे कुल देवता की जय हो, हमारी कुल देवी की जय हो। हो सकता है आपके कुल देवता हो सकता है आपकी कुल देवी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर आस्पेक्ट आता है। संस्कृति के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, हमारी संस्कृति पूरे साल में, हमारे साल में बहुत सारे फास्ट आते हैं। आप देखते हैं कितने सारे व्रत आते हैं हमारे संस्कृति के अनुसार, पूरे साल में बहुत सारे व्रत आते हैं। कभी एकादशी का व्रत है, कभी करवा चौथ का व्रत है, कभी छठ का व्रत है, मतलब कोई ना कोई व्रत चलता रहता है। और ये व्रत बेसिकली ज्यादातर लेडीज के लिए बने हैं, ज्यादातर लेडीज व्रत रखती हैं वाले। तो आपको ये भी देखना है कि फास्ट जो है वो अगर शुद्ध मन तन से आप करोगे और दान करोगे और बड़ों का आशीर्वाद लोगे तो वो बहुत फलता है। तो फास्ट हम लोग सोच के बैठ जाते हैं, लेडीज ने कर लिया, आप करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम कोई ना कोई फास्ट महीने में एक बार, या तो किसी एकादशी का कर लें या महीने में किसी संडे का कर लें फास्ट, मतलब कुछ भी एक आध नियम बना लें अपना कि भाई महीने में एक संडे मुझे फास्ट रखना है, तो एक संडे फास्ट रख लें, एक टाइम नमक खा लें, एक टाइम फल खा लें। तो कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, तो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये बहुत जरूरी है। और ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप शिव जी की पूजा कर रहे हो या मंत्र करते हो तो स्वच्छता बहुत जरूरी है, आप स्वच्छ होने चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में जाते हैं लोग, मंदिर में जाके बाहर से ही लोग वो माला बेच रहे होते हैं, कुछ बेल पत्थर बेच रहे होते हैं, कुछ बेल पत्र बेच रहे होते हैं, वो हमने ले लिया और लेके जाके शिव जी पे चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले धो के साफ करके तभी वो चढ़ाना चाहिए शिव जी की पूजा। तो शिव जी की पूजा में अगर आप करते हैं तो जो भी सामान अर्पण करना हो उसको पहले अच्छी प्रकार से धो ले, उसके बाद वो उसका अर्पण करें। शास्त्रों में हमारे 33 कोटि देवी देवता बताए गए, लोगों ने इसका अर्थ लगा लिया है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, किसको पूजें। वो करोड़ नहीं, कोटि का मतलब है टाइप, 33 प्रकार के देवता है। कोटि शब्द को बोलचाल की भाषा में करोड़ में बदल दिया गया है। कोटि का एक अर्थ होता है टाइप, कि 33 करोड़ जो प्रचलित मान्यता हो गई है वो ऐसा नहीं है, 33 टाइप के हमारे देवता हैं, 33 तरह के हमारे देवता हैं, ज्यादा देवता नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 33 तरह के देवता हैं कोई, और वो देवता कैसे हैं ये देखिए, वो देवता हैं हमारे 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य और साथ में इंद्र और प्रजापति, ये हमारे देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता। अष्ट वसुओं के नाम लिखे हुए हैं, आप है, ध्रुव है, सोम है, धर है, अनिल है, अनल है, प्रत्युष है, प्रभास है, ये 11 रुद्रों के नाम हैं, मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महीनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और धृतध्वज, और 12 आदित्यों के नाम हैं, अंशुमान, आर्यमान, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग। भग जो है वो शुक्र के लिए भी बहुत इष्ट देवता माने जाते हैं, शुक्र ग्रह के लिए पूरा फागुनी के देवता माने जाते हैं भग। किसी के पूर्व फागुनी जन्म में नक्षत्र में जन्म हो और उसको कोई समस्या हो तो भग का कहते हैं कि इनकी पूजा करने से बहुत महत्व प्राप्त होता है। तो ये 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र है, 8 वसु है, तो 12, 11, 23 और 8, 31। अब दो बचे, दो कौन हैं, इंद्र और प्रजापति। हालांकि दो पुराणों में मतभेद है, शिव पुराण में तो इंद्र और प्रजापति दिए हुए हैं, नारद पुराण में दो अश्वनी कुमारों को शामिल किया गया है, 33 कोटि देवी देवताओं, बाकी वही हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, वो तो सब रखा गया है। लेकिन दो पे थोड़ा सा विभिन्न मत हो रहा है, दोनों पुराण के अंदर दोनों नंबर अलग अलग दिए गए। एक में कहा गया कि इंद्र और प्रजापति, और एक में क्या गया, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अश्वनी कुमारों को बोला गया है। पाराशर जी ने कहा है, पाराशर जी का ये उवाच हम आपने जानते भग बताया, ये क्या बताया सर, पूर्व फाल्गुनी का?
फागुनी नक्षत्र का स्वामी होता है भाग। अगर आप जितने भी नक्षत्र हैं उनके स्वामी ढूंढोगे ना गूगल पे, तो जी आपको हर नक्षत्र के स्वामी मिल जाएंगे। आप गूगल पर टाइप करिए कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो पूर्व फागुनी नक्षत्र का स्वामी भग होते हैं। तो जिनका नक्षत्र पूर्व फागुनी होता है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो अगर वो भग की पूजा कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ये देवता हैं, ये सब, ये आपके 33 कोटि टाइप के देवता हैं, 33 तरह के। भग भी उनमें से एक देवता है। तो आल्दो हम लोगों को पूजा जो बताया गया है वो ऊपर ही बताया गया है, लेकिन आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई स्पेसिफिकली टाइप की पूजा आपकी आती है, तब आपको 33 कोटि के जो देवता हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आपको आगे बताया जाएगा सारी चीजें, ये कैसे कहाँ पर क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। पाराशर जी ने कहा है, राम कृष्ण च प्रभु विप्रे नृसिंह शुक्रस्तत एवं पूर्णावतरस्य हानि जीवन कानिविता। उन्होंने कहा, महर्षि पाराशर ने कहा है कि हे मित्र, राम कृष्ण नरसिंह और वराह, ये चार पूर्ण अवतार हैं। तो आप ये लगा के चलिए कि राम कृष्ण नरसिंह और वराह ये जो हैं, ये चार पूर्ण अवतार हैं। इनमें पूर्ण परमात्मा अंश है, कहते हैं ना कि ये मतलब कंप्लीटली अंश इनके अंदर दिया हुआ है। और इसके जो भिन्न हैं उसमें जीव अंश भी है और परमात्मा का अंश भी। अवतार तो यूं तो बहुत सारे हैं जो तो अपने पढ़े हैं अवतार, आगे अवतार बताए जाएंगे आपको कौन कौन से अवतार हैं। तो लेकिन ये चार जो अवतार हैं, राम कृष्ण नरसिंह और वराह, ये अपने आप में पूर्ण अवतार है। अब उन्होंने बताया है कि हर ग्रह से अवतार हुए हैं। राम अवतार सूरस्य, चंद्रस्य यदुनायक है, श्री सूर्य से राम का, चंद्रमा से कृष्ण का, नरसिंहो भूमिपुत्रस्य, मंगल से नरसिंह का, बुध से बुध का, बृहस्पति से वामन का, शुक्र से परशुराम का, शनि से कुर्म का, और राहु से वराह का, और केतु से मीन का अवतार हुआ है। ये 9 अवतार हैं। तो आपने समझिए, ये 9 अवतार जो हमारे दिए हुए हैं, ये आपको मालूम ही है, ये सब लोग जानते हैं कि हमारे अवतार ये कहलाते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कि सूर्य, राम कृष्ण नरसिंह और वराह, ये 4 अवतार ऐसे हैं जिनमें पूर्ण परमात्मा अंश है। ये जो जिनके अंदर पूर्ण परमात्मा बसा हुआ है, ये मतलब परमात्मा डायरेक्टली परमात्मा धरती पे आए हैं रक्षा करने के लिए। बाकी में तो वो जीव का भी अंश है और परमात्मा का भी अंश। हमारा जो कलयुग है वो 5124 साल का है, मतलब 5124 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। और 4,32,000 में से 5124 वर्ष घटाएंगे तो इतने वर्ष अभी शेष हमारे रह रहे हैं। 5124 वर्ष बीते हैं कलयुग को, तो 4,26,876 वर्ष हमारे शेष हैं, यानी कलयुग की अभी अवधि बहुत बाकी है। तो जितना हो सके कर लो। कलयुग में बहुत कुछ डिस्काउंट भगवान ने दिया है कि भैया मुझे याद भी कर लो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, इसलिए याद भी कर लो तो भी काम चल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जितना भी आज के समाज है उसमें राम कृष्ण और नरसिंह की चर्चा सबसे अधिक होती है। सूर्य चंद्रमा मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं ये हमारे, तो बड़ा जरूरी है कि रामायण का पाठ कभी कभी करें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य के लिए श्री राम का मंत्र कर लीजिए, चंद्र के लिए श्री कृष्ण का मंत्र कर लीजिए, मंगल के लिए श्री नरसिंह के मंत्र किया जा सकते हैं, तो वो मंत्र किए जा सकते हैं। इसमें तो सब ये मंत्र आपको मिलेंगे, या आप कर सकते हैं। ये केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, लेकिन स्पेसिफिक मंत्र क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं वो आपको आगे सारा अलग चैप्टर्स में बताया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, किसी भी देवता की पूजा हो तो उसमें नवग्रह की पूजा अवश्य होती है, ये आप जानते हैं। और इनकी पूजा करने से ग्रहों में जो भी अशुभ फल हैं या कोई अशुभ फल होने वाले हैं वो चीज खत्म हो जाती है, वो चीजों में कमी आ जाती है। अब नवग्रह के 2 देवता होते हैं, एक होता है अधिदेवता, एक होता है प्रत्यधिदेवता। अधिदेवता को बोलते हैं वर्ड में प्रत्यक्ष देवता, और एक प्रत्यधिदेवता को बोलते हैं अप्रत्यक्ष देवता या गुप्त देवता। हर नवग्रह के अधिदेवता और प्रतिदेवता होते हैं, ये ध्यान रखिए। 9 हमारे ग्रह हैं, उनकी पूजा करना बहुत आवश्यक होता है, इसी पूजा की शांति के लिए। नवग्रह की पूजा जरूर होती है, तो उस पूजा की शांति के लिए नवग्रह की स्थापना जब आप करते हो तो उनके अधिदेवता और प्रतिदेवता का भी आपको स्थापना करनी होती है।
वो आपको तभी फायदा मिलता है सारा। अधिदेवता जो है वो ग्रह के राइट साइड में बैठते हैं और प्रत्यधि देवता जो है वो ग्रह के लेफ्ट साइड में बैठते हैं। मतलब अगर सूर्य की पूजा करनी हो तो उनके राइट साइड में अधिदेवता आएंगे और लेफ्ट साइड में प्रत्यधि देवता आएंगे, तब रख के पूजा की जाती है। अगर कोई कहता है कि जी मेरी सूर्य खराब है, सूर्य बहुत प्रॉब्लम में है, पीड़ित ग्रह है और सूर्य की पूजा कराना चाहते हैं किसी ब्राह्मण से, तो उस ग्रह की शांति के लिए आपको उनके अधिदेवता और प्रत्यधि देवता का भी ध्यान रखना आवश्यक है। खाली सूर्य ग्रह रख के नहीं, सूर्य के साथ उनका अधिदेवता भी और उनका प्रत्यधि देवता भी, आपको दोनों राइट और लेफ्ट में बैठा के उसके बाद आप जब पूजा करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। सर वो कैसे मालूम पड़े कि सूर्य के अधिदेवता पति देवता अभी कैसे? अभी थोड़ा विश्राम रखो, सब चीज पता चलेगी। तो ये पूजा करने की विधि है। अधिदेवता प्रतिधि देवता जो होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यक्ष देवता है, अप्रत्यक्ष देवता है। तो जब भी घर में नवग्रह की स्थापना करते हैं तो उनके देवताओं की स्थापना भी करनी चाहिए, उससे अधिक लाभ मिलता है। ये आप ध्यान रखिए कि नवग्रह की स्थापना अगर आप करें तो उनके देवताओं की स्थापना भी करनी चाहिए, जो लोग नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके अधिदेवता और प्रतिधि देवता हैं कौन, नौ के नौ ग्रहों के, नौ ग्रहों के अधिदेवता प्रतिधि देवता ये है। सूर्य के अधिदेवता ईश्वर है और प्रतिधि देवता अग्नि है। तो सूर्य के एक और ईश्वर और एक और अग्नि, चंद्रमा के एक और उमा, एक और जल उमा पार्वती होती हैं, मंगल के एक और स्कंद, एक और पृथ्वी। तो ऐसे करके ये अधिदेवता और प्रतिधि देवता दिए हुए हैं। इनको दोनों को लेफ्ट और राइट साइड में रख के, अधिदेवता को राइट साइड में रख के, प्रतिधि देवता को लेफ्ट साइड में रख के, तब नवग्रह की स्थापना करें। अगर आप नवग्रह की पूजा कराना चाहते हैं अपने घर के अंदर नवग्रह की शांति के लिए, तो इस तरीके से पूजा करानी पड़ेगी। आपको पंडित से कहना पड़ेगा कि भैया उसके अधिदेवता प्रतिधि देवता को भी इसमें लाओ पूजा के अंदर, तब पूजा आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। खाली नवग्रह की पूजा स्थापना करके और आपने पूजा करा दी, वो पूजा कंप्लीट नहीं मानी। सर ईश्वर यानी क्या था? सूर्य के लिए ईश्वर आपकी आपने आवाज, बताया, हाँ अभी अधिदेवता मालूम चलेगा, ईश्वर। आप एक सेकंड होल्ड रखिए, अभी आपको मालूम चल जाएगा। सबके बारे में बताऊंगा मैं, ईश्वर कौन है, उमा कौन है, स्कंद कौन है, विष्णु कौन है, वो सब चीज आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद किस ग्रह की पूजा करानी है, जैसे ये पत्रिका है, पीड़ित ग्रह का चयन आप पत्रिका में कैसे करेंगे, आपको मालूम होता है कि पीड़ित ग्रह कौन कौन है। देखिए इसमें क्या है, जो ग्रह छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा हो वो ग्रह पीड़ित होता है, जो लग्न से छठे आठवें बारहवें भाव में भी बैठा हो वो भी पीड़ित मान लेते हैं, लेकिन ग्रह जो छठे आठवें बारहवें भाव में बैठा है लग्न से एटलीस्ट, उसको तो पीड़ित मानते हैं। जो ग्रह अस्त हो, राशि अंत में हो या राशि प्रारंभ में हो, वो भी पीड़ित ही मानते हैं। कोई ग्रह ऐसा है जो 29 डिग्री से ऊपर का है तो हमने आपको बताया था क्लास के अंदर कि वो अपने रिजल्ट नहीं देता। कोई ग्रह ऐसा है जो 1 डिग्री से कम का है वो भी अपने रिजल्ट नहीं देता, जो राशि शुरू में या राशि अंत में जो ग्रह आता है, तो वो भी ग्रह आपका एक तरीके से पीड़ित माना जाता है, उसके रिजल्ट खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पीड़ित ग्रह का चयन करना है पहले पत्रिका में, जिस भी ग्रह की आपको पूजा करवानी है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपकी पत्रिका में पीड़ित ग्रह है कौन सा, पीड़ित ग्रह ढूंढिए। पीड़ित ग्रह देखिए, जैसे इस पत्रिका में चंद्रमा सबसे पीड़ित ग्रह है, चंद्रमा में मंगल शनि की दृष्टि है, और किसी की दृष्टि है, राहु, सर वैसे तो शुक्र भी तो पीड़ित है सूर्य और राहु राहु के बीच में ना। राहु की भी दृष्टि है सर, चंद्रमा पे राहु की भी दृष्टि है, नवी दृष्टि। मंगल शनि राहु तीन दृष्टि आ गई, मतलब मैक्सिमम पीड़ित लगा रहे हैं। शुक्र भी पीड़ित है, आप ठीक कह रहे हो, शुक्र भी पीड़ित है, उस पर राहु और सूर्य का इफेक्ट है, वो भी पीड़ित है। राहु के तो एक्सिस में ही हाँ गैप है ना, तो हाँ सूर्य राहु के ही तो एक्सिस होते में है हैं। और सूर्य साथ है, वो भी पीड़ित है, लेकिन यहाँ चंद्रमा भी पीड़ित है क्योंकि चंद्रमा तीन ग्रहों से हो गया, मंगल शनि से हो गया, राहु से हो गया, तीन ग्रहों से पीड़ित हो गया। तो हम लोग मान सकते हैं कि चंद्रमा इस ग्रह में पीड़ित है। तो चंद्रमा का आपको देखना बहुत जरूरी है। अब क्या करते हैं, क्योंकि तो चंद्र के ऊपर शनि मंगल राहु का सीधा प्रभाव है, इसलिए चंद्र पीड़ित हमारा हो। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो ग्रह पीड़ित है उसकी तो पूजा करनी चाहिए, जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, राहु मंगल और शनि इसको पीड़ित कर रहे हैं चंद्रमा को, उनकी पूजा करके आपको उनका मंत्र पढ़ के आपको उनको बोलना है कि हे प्रभु उनको पीड़ित ना करो, चंद्रमा को ज्यादा परेशान मत करो, संकल्प लेके ये पूजा करनी है। तो
तो उससे आपका, और चंद्रमा का जाप करा के रत्नदान आदि कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो ग्रह पीड़ित कर रहा हो उस ग्रहों की शांति करनी चाहिए, और जो ग्रह पीड़ित हो रहा हो उसको बल प्रदान करो, बल प्रदान करो, उसका दान दो। और दान कौन से हैं वो सब चीजें आगे आपको बताएंगे, उनका जाप करवाओ वो आपको बताएंगे। तो शांति और बल के लिए वैदिक में एक ही नियम लागू होता है कि मंत्र का जाप करना है, मंत्र का जाप करना है, तो वही चीज आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है, अब आपको ये लगेगा कि भैया तीन ग्रह तो पीड़ित कर रहे हैं, मैं शनि का भी करूं, मैं मंगल का भी करूं, मैं राहु का भी करूं मंत्र, उसके बाद मैं चंद्र का मैं भी करूं, क्यों चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। तीन ग्रहों से तो मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि भैया पीड़ित मत करो, एक ग्रह से रिक्वेस्ट कर, एक ग्रह को कहना है कि बलशाली बन जाओ। तो मंत्र तो करना ही करना है अल्टीमेटली, आपको दान तो करना ही करना है आपको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक मंत्र में, वैदिक में शांति और बल के लिए एक ही चीज है, वो है जाप। जाप के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसी से बल प्रदान करोगे आप, उसी से आप शांति करोगे। तो ऐसे केस में फिर हम ये देख लेते हैं कि दशा देख लेते हैं, अभी आगे आएंगे तो हम लोग दशा देखेंगे, तो उससे फिर हम थोड़ा आइडिया हमारा लग जाता है। बट फिर भी मैं ये आपको थोड़ा बताऊंगा कि कुंडली में जो ग्रह आपका सबसे पीड़ित हो, एटलीस्ट उसका तो जरूर आप करिए मंत्र, लाइफ लॉन्ग कीजिए। क्योंकि क्या कहते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह होता है आपकी कुंडली के अंदर, मैं आपको क्लासेस में बताता भी हूं, जो भी सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह होता है कुंडली में, उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर हमेशा रहता है। इसी प्रकार जो भी ग्रह सबसे निर्बल होता है, उसका प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पूरी जिंदगी रहता है। तो ऐसे ग्रह का, जो ग्रह बहुत पीड़ित हो आपकी पत्रिका में, हो सकता है दो ग्रह पीड़ित हो, तीन पीड़ित हो, लेकिन जो मैक्सिमम पीड़ित है उसको छांटिए, और उसका तो लाइफ लॉन्ग मंत्र कीजिए आप, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जो हम पीड़ित कर रहे हैं चलो उनका आप छोड़ दीजिए, उतने उतने मंत्र आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित है उसका मंत्र आपको लाइफ लॉन्ग करना है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आपका वो करेंगे। और उसके बाद आपको जो रत्न पढ़ाना है, दान करवाना है, वो करवाना है। कौन सा रत्न पढ़ाना है, कौन सा दान कराना है, वो क्लास में आपकी जब चैप्टर आएंगे रत्न के और दान के, तब आपको मालूम चलेगा। तो ये बहुत आवश्यक है। हाँ बोलिए। सर जैसे कहते हैं कि मंत्रों का जैसे जाप करना है, तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम लोग खुद से जाप कर रहे हैं और उसको अगर गलत तरह से पढ़ लिया जाता है, उसका उल्टा असर भी हो जाता है पढ़ने का, मतलब प्रोनाउंसिएशन, मंत्र का ये तो बात है, ऐसा तो होता है कि मंत्र को मतलब खुद से करना अगर हम कर रहे हैं तो। श्यामल जी कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल म्यूट रही हैं आवाज। देसाई जी आप म्यूट कर लीजिए, सर कह रहे श्यामल जी हैं। आप म्यूट सॉरी कर लीजिए। सॉरी देखिए ऐसा होता है, मंत्र के पीछे आज की डेट में ना, मैंने आपसे पहले ही बताया, ये प्रश्न बहुत आता है, क्योंकि मंत्र नॉर्मली संस्कृत में होते हैं और संस्कृत का उच्चारण हर किसी का बहुत अच्छा नहीं है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो भगवान ने, मैंने आपको बताया कि कलयुग में बहुत डिस्काउंट दिया, अगर आप श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीज मंत्र बना दिए हैं कि बीज मंत्र आपके बहुत सिंपल है, आपको जाप करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जाप कराना है तो किसी पंडित जी को बुलाइए कर, इसलिए उन्होंने दो दो चीज ये आदमियों का उन्होंने ध्यान में रख के दिया है कि भाई इतना बड़ा श्लोक दे देंगे तो वो श्लोक करने के लिए उसको कहीं से गलती करेगा, उसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, तो इसलिए बोलो सीधा ओम सूर्याय नमः, ये वैदिक मंत्र हो गया, ये दे दिया उनको, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये वैदिक मंत्र हो गया। अब इतना तो आना ही चाहिए किसी को करने के लिए, इतना तो करना ही है, ठीक हाँ जी है ना। तो उसके लिए वैदिक मंत्र दिए हुए हैं, बट अगर आपने वैसा जाप करवाना है घर पे, तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवाइए और उस योग्य ब्राह्मण से आप जाप कराइए। हमारी क्लास में श्रीकांत जी बैठे हैं क्या आज? आशय श्रीकांत जी नहीं है, वो जो आचार्य हैं BHU के, मैं उनको देख रहा था तो उनको बताते। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। तो लोग जो है ना, वो क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिल पाते कई बार, क्या होता है तो रिजल्ट नहीं मिल पाते तो कहते हैं जी रिजल्ट नहीं मिल पाया हमने करा, लेकिन उपाय पूरा नहीं कर पाते वो। और एक बात तो आप ध्यान रख के समझ लो कि कोई भी जातक आपके पास जिस समय आए, क्योंकि नॉर्मली आपके पास उस समय आएगा जब वो थोड़ा परेशान हो,
उस जातक की जो भी अंतर या प्रत्यंतर दशा है उसका दान जरूर करवा दो कि भैया ले अपनी त्रि अंतर दशा चल रही है, इसका थोड़ा सा दान कर देना, क्योंकि जातक की अपनी परेशानी जो होती है वो उसकी अंतर दशा नाश से या प्रत्यंतर दशा नाश से होती है। जीवन में यही नियम अपनाना चाहिए। ये एक छोटा सा सरल तरीका हमारे गुरुजी ने हम लोगों को बताया कि अगर आप पे कुछ भी नहीं आता रेमेडी देना, तो खैर मैं आपको रेमेडीज के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, अगर आप पे कुछ भी नहीं आता, पता ही नहीं रेमेडीज क्या देनी क्या नहीं देनी है आपको, तो इतना ही बता दो उसको कि भाई तेरा ये इसका मंत्र कर ले जिसकी अंतर दशा चल रही है, या जिसकी प्रत्यंतर चल रही है इसका मंत्र कर ले और दान कर ले। ये तो एक छोटा सा वैसे ही जस्ट बता दिया गया है, आगे आपको पूरा पढ़ना है इसके अंदर कि क्या मंत्र है, क्या दान है, क्या यंत्र है, क्या औषधि है, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। सर सर लेकिन इसमें कोई सर अगर कोई अच्छा ग्रह है मंत्र तब या उसका भी ऐसा दान है, होता है? अगर अच्छा प्लेनेट है तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्लेनेट अच्छा है, अगर आपको उसको बल देना है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मंत्र करने से तो कुछ नहीं होता, अगर अच्छा प्लेनेट है तो मंत्र करें बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है, दिग्बली होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है सूर्य, और कुंडली में मैं देखूं अगर रबनी में, तो मेरा सूर्य ही मुझे ऐसा है जो संभाल के रखे हुए है, षटबल में सबसे ज्यादा है, दो के आसपास षटबल है उसका, और 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठा हुआ है, कोई बुरा प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं है। तो मैंने उसको मजबूत करने के लिए माणिक्य पहन रखा है, हालांकि मैं चाहता तो किसी और ग्रह को थोड़ा देखता था, लेकिन मैंने नहीं, मैंने माणिक्य पहना, क्योंकि मुझे ग्रह को तुम्हारा कोई अच्छा है तो उसको तो और बल बल दे दो तो थोड़ा और तुम्हारे लिए अच्छा ही करेगा ना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तो सर अच्छा दान करने से भी उसे बल मिलता है? हाँ, दान करने से ही बल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। दान करना मंत्र करना दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिए कि दान करने से नेगेटिव इफेक्ट होगा या मंत्र करने से नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट। दान और मंत्र दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों एक ही तरह के इफेक्ट लेकर आते अच्छा, हैं। लेकिन और सर पावर अगर किसमें कोई ज्यादा होगा वो क्या एक बोल रहे एक हैं श्यामल सेकंड, जी? पावर कौन कितना देगा वो कैसे पता? मतलब कि दान में ज्यादा पावर है या मंत्र में देखिए ज्यादा मंत्र में तो पावर ज्यादा है या पावर है ही यंत्र सर, में? मंत्र में तो ज्यादा पावर है ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, मंत्र में तो तो ज्यादा पावर एडवाइजेबल है। मंत्र है ना सर, हाँ और वो भी खुद करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा? खुद करे तो बहुत अच्छा है, इसलिए खुद के लिए उन्होंने बीज मंत्र का प्रावधान दे दिया है कि भाई चलो खुद इतने बड़े श्लोक नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर जो वैसे मंत्र कराते हो, वैदिक मंत्र आप कराते हो, तो हवन बकायदा या वैदिक मंत्र जो है किसी योग्य ब्राह्मण से कराने चाहिए, उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा, वो आपको अपने आप से नहीं करने चाहिए। लेकिन मान लो कि जैसे कि ब्राह्मण खुद ब्राह्मण ही है, अब जैसे मैं सपोज ब्राह्मण खुद हूँ और मुझे मंत्रोच्चार मैं कर सकता हूँ या आता है मुझे, मैं हाँ डेली पूजा पाठ वगैरह भी करता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं? नहीं आप कर सकते हैं। देखिए उनको क्या होता है, जो ब्राह्मण होते हैं ना बेसिकली कर्मकांड के विद्वान होते हैं, वो लोग कर्मकांडी लोगों को मालूम होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप किसी हवन करवा रहे हो, उसमें नवग्रह की स्थापना आपने करनी है, अब नवग्रह की स्थापना आपने करनी है तो आप थोड़ा, आप कर्मकांड के स्पेशलिस्ट नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा ना कैसे ग्रहों की स्थापना करूं, कहाँ प्रतिदेवता देवता बैठाऊं, कहाँ आदि देवता बैठाऊं इनके, या कहाँ रोली लगाऊं और कहाँ आटा लगाऊं उसके अंदर खाने में। नहीं, यज्ञ सर एग्री, यज्ञ बड़ी चीज हो गई, लेकिन जैसे कोई वैदिक मंत्र करने हैं हाँ या कोई वैदिक मंत्र आप जाप करने कीजिए, वो वो, तो आप कीजिए, हाँ मतलब मतलब जैसे आपने बोला बीज मंत्र छोटे होते, लेकिन जो हाँ बड़े मंत्र भी है तो जिसका मतलब संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर पता है कर सकता है, वो कर तो वो सकता है, खुद कर सकता है, कर सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें, बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो है? बिल्कुल कर सकता है अगर संस्कृत उसकी अच्छी है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर ओके वैसा जाप कराना है, हवन कराना है, तो किसी योग पंडित से कराइए। चलिए हाँ, अच्छा यज्ञ लगा, वगैरह तो ऑब्वियस है। हाँ वो किसी, क्योंकि हम लोग उसके उसकी विद्वता हमारे अंदर नहीं, नहीं है। उन्होंने नहीं कहे, चाहे वो बिल्कुल बोलना है तब भी हम नहीं कर पाएंगे, वो बड़ी बड़ी बिल्कुल चीज हो गई वो तो, हाँ इस वो अलग। ओके ठीक सर, नमस्ते सर हाँ नमस्ते आकांक्षा। जी। सर सर एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर जैसे आपने बोला कि दशा और अंतर दशा जो होती है आप उसके भी स्वामी की पूजा कर सकते हैं उसको बल देने के लिए, तो अगर आपके 6th 8th और 12th के स्वामियों की दशा चल रही होगी तो उस टाइम पे क्या करना है? नहीं छठा आठवां बारहवां भाव के, देखिए स्वामी की किसी की दशा चल रही है, आपकी दशा अगर खराब है, मान लिया मैंने वही आपको बताया था कि कोई आदमी आपके पास आया, उसके छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, या छठे आठवें बारहवें भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, तो वक्त बेचारे का खराब है ना उसका, तो उसको इसलिए बोलेंगे ना कि भैया तू मंत्र करके तू पीड़ित ना करे हमको वो ग्रह। मैंने पीछे जैसे बताया था ग्रह जो पीड़ित कर रहा है उसके मंत्र, जो गैर पीड़ित हो रहा है उसके मंत्र भी करने चाहिए। सर तो आप महादशा, उसको आप महादशा से मंत्र कोई कीजिए मतलब उनके कि नहीं है? भैया आप संकल्प लेके मंत्र कीजिए कि आप कृपया हमें पीड़ित ना करें,
ओके सर फिर महादशा को नहीं देखना है, बस अंतरदशा। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा की वो रिजल्ट देती है आपको। तो मैंने आपको इसलिए बताया है हाँ जी, अंतर प्रत्यंतर का, कि अगर आपको रेमेडीज मालूम नहीं है, आपको ये कोर्स करने के बाद भगवान ने चाहा तो रेमेडीज इतनी मालूम हो जाएंगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्पेसिफिक रेमेडी बताएंगे सबको। ये तो मैंने ऐसे ही बताया कि बाई चांस कोई बाहर बैठा हुआ है, किसी को रेमेडीज नहीं पड़ी है, तो उसको यही बता दो कि भैया तेरी अंतरदशा इसकी चल रही है, प्रत्यंतर इसकी चल रही है, तू ये मंत्र कर ले। मंत्र करने से ग्रह अगर बुरा होगा तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर वैसे महादशा का भी जैसे आपने सिखाया है हमको कि महादशा हाँ, आपकी जो मेंटल जो अप्रोच है प्रकृति चेंज वो करती है। करवाता है, राइट, आपके हाँ हाँ प्रकृति चेंज करती है। तो जी, अब जब मेरे मुझे दिक्कत आ रही है तो मे भी मेरी प्रकृति गलत है और मुझे दिक्कत आ रही है, बिल्कुल तो फिर मैं यदि महादशा का जो है उसका भी जब मंत्र करवाऊं तो उसकी प्रकृति पॉजिटिव एटीट्यूड से यदि कोई किसी काम को अप्रोच करेगा तो वो काम में उसको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसा तो फिर उसको हम क्यों अवॉइड करें? नहीं, मतलब अवॉइड ये नहीं मेरा करना है, ये है मैं कि इसको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं नहीं कि नहीं उसको तो अवॉइड करना मतलब है। तो तीनों करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा उसके बहुत लिए। अच्छा है, अगर आप कितने सारे कर सकते हो तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो आपको बता ही रहा हूं मैं। इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप किसी को बोल दोगे, कोई आपके पास आया, एक तो वैसे ही परेशान है आपको, उसने बाप ने उसे बोल दिया कि भैया तू शुक्र का भी कर, तू शनि का भी कर, तू गुरु का भी कर, तो वो थोड़ा कई बार ना आदमी थोड़ा हिल जाता है कि यार क्या करूं मैं ऐसे। तो तो आपने जब देखा कि भैया शनि की इसकी शुक्र की प्रत्यंतर दशा है और वो 2 3 4 5 6 महीने की, तो बोल दिया भाई शुक्र कर ले, तो वो 5 6 महीने तो निकाल लेगा, बीच में 1 2 महीने प्रत्यंतर आएगी तो वो थोड़ा बहुत कष्ट में होगा, वो निकाल लेगा। वो है, अगर आप जितने मंत्र कर सकते हैं वो तो बेस्ट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। कि महादशा का भी आप करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी और आपको उनके रिजल्ट्स बढ़िया मिलने शुरू हो जाएंगे अंतरदशा वगैरह के। हाँ संख्या भी ज्यादा है ना तो सारे करना, नहीं, हाँ लेकिन तीन, इसलिए मैंने तीन बोला, जैसे मान लो कि महादशा और अंतरदशा लॉर्ड जो है 6-8 के एक्सेस में आ गए हैं, ठीक, तो फिर नहीं किया तब तो दिक्कत और बढ़ेगी ना हाँ उसमें, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो तो राय वाली इसलिए बात नहीं। मेरे हिसाब से महादशा का भी करवाए तो ज्यादा फायदे में रहेगा उसको, क्योंकि अप्रोच ही जब उसका जो भी प्रॉब्लम है उसके अपना नजरिया बदल जाएगा वो प्रॉब्लम को हैंडल करने का, जो महादशा लॉर्ड ही बदलेगा नहीं और नहीं कोई नहीं आप उससे बदलेगा। करवाइए, आप उससे करवाइए, अगर वो करना चाहता है तो आप उससे करवाइए, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बात से। लेकिन ये होता है थोड़ा सा कि बंदे कितना करना चाहते हैं वो एक छोटी सी बात हो जाती है, तो उसके लिए एक सिंपल रास्ता भी होता है। अदरवाइज उससे कहिए कि भाई महादशा का भी कर, तू अंतर का भी कर, प्रत्यंतर का भी कर, तेरा ये तीनों चीज कर अपना, तेरा बहुत बढ़िया काम हो जाएगा सारा, अगर उसमें हिम्मत है तो करे, बहुत अच्छी बात है। अब ये सूर्य का मंत्र दिया हुआ है, ग्रहों का जाप और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का वैदिक मंत्र, सूर्य के 7,000 मंत्र करने चाहिए, और ये संडे से शुरू करके और संडे को खत्म करना चाहिए, मतलब एक हफ्ते में इसको खत्म कर देना है। और ये जाप संख्या जब पूरी हो जाए तब इस मंत्र का हवन भी करवाना है आप, और अगर हवन नहीं करवाते तो 10% एक्स्ट्रा यानी 700 मंत्रों का जाप और कर लेना चाहिए। ओम आ कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेश मृत्यम च हिरण्यने सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है, इस वैदिक मंत्र को आपको करना है 7,000 बार। अगर ये चीज नहीं होती तो बीज मंत्र कीजिए। सर दोनों वैदिक मंत्र और बीज मंत्र दोनों का सेम फल है या वैदिक का ज्यादा? वैदिक का, वैदिक तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप वैदिक करते हैं जिसमें तो उनका असर बहुत बृहस्पति आया होता है। बृहस्पति जिसमें बृहस्पति का वैदिक का जप करता हूँ तो दैट इज बेटर देन दिस वन जो दूसरा बीज मंत्र होता है। देखिए वैदिक जाप जो होता है उसका तो इफेक्ट थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। देखिए बीज मंत्र भी दिए हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजपा जप और जाप दोनों, वैदिक मंत्र को तो आपको एक निश्चित समय पे करना पड़ेगा ना, वो जाप वो वाला है जो निश्चित समय पे किया जाए, और जो बीज मंत्र है उसको आप किसी समय भी कर सकते हैं। तो अगर आप निश्चित समय पे कोई चीज कर सकते हैं तो बेस्ट है कि आप वैदिक मंत्र कीजिए, लेकिन अगर आप निश्चित समय पे नहीं कर सकते, आपका टाइम ऐसा है, आपका रूटीन ऐसा है कि आपकी ऑफिशियल ड्यूटी रहती है, आपको ऑफिस से बाहर टूर पर जाना पड़ता है, आप नहीं समय बनाते, तो आप बीज मंत्र कीजिए। दोनों के इफेक्ट बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक मंत्र का इफेक्ट तो है ही, 19-20 का फर्क तो पड़ेगा ही, क्या इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, लेकिन सर बीज एकदम ये मंत्र कह भी देना कि भाई बीज मंत्र भी इतनी बार करने, 7,000 जैसे मैं लिख बता रखा रहा है हूं, एक। उसका बता रहे हैं, बता रहे हैं। तो सूर्य के संध्या मंत्र जो हैं आपको 7,000 मंत्र करने हैं, और संडे से संडे तक करने हैं आपको, एक हफ्ते में खत्म कर देने हैं, और अगर और फिर साथ में हवन करवाना, इसके अंदर ये जरूर होता है।
इसमें हवन कुछ ना ऐसा भी करवाने की। कहीं ऐसा हवन के साथ साथ ये भी बताया कहीं मार्जन तर्पण भी रहता है दर्शन दशांश का इसका। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। पर जैसे सूर्य के 7,000 जप है, आपने बताया कि ये 10% यानी 700 जप इसके हवन के करना चाहिए, तो इसके हाँ मार्जन और तर्पण का भी एक विधान बताया जाता है सर। वो सब चीज आगे आएंगी तो उसको देखिए, अभी आ गया पूरा। जी अभी आप चलिए पहले थोड़ा, सब चीज आपको आपको आगे मिलेंगी। अभी आपको मैंने ये बताया है कि सूर्य के जो वैदिक मंत्र हैं वो 7,000 करने चाहिए। संडे शुरू करो, संडे खत्म करो, और एक हफ्ते में खत्म करके एक हवन करवा लो छोटा सा। और अगर हवन नहीं करवा रहे तो 10% मंत्र और एक्स्ट्रा कर लो, 700 मंत्र और जप लो, 7,700 कर लो आप। बीज मंत्र नीचे दिया हुआ है, बहुत सिंपल है बीज मंत्र। ओम घणी सूर्याय नमः, ओम हाम हीम हौं से सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र दिए हुए हैं, ये बीज मंत्र आप कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है करना चाहें तो। अजपा जप में छोटे मंत्र को जो ऊपर दिया है उनको करना है, जो जाप में जो अजपा जाप होता है उसको हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, उसी कारण सूर्य आपके हमेशा ठीक रहेंगे, आरोग्यता आपकी बनी रहेगी। जब बीज मंत्र है ना सर। हाँ, और कलयुग में एक चीज का डिस्काउंट ये दे दिया गया है कि आपके लिए मंत्र कोई भी कर सकता है, या तो मतलब आप अपने से जप करना चाहते हैं तो करिए, और रविवार से शुरू करके रविवार तक खत्म करना चाहिए। 10% मंत्रों का जाप इसमें अधिक करना होगा अगर हवन नहीं करना है। और कलयुग में जो है कोई भी मंत्र कर सकता है, अपने लिए आप भी मंत्र कर सकते हैं, आपके लिए आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपके लिए आपकी माता भी कर सकती है। सर ये जानना चाह रहा था, ये बीज मंत्र ये दो हैं, ये एक है पूरा या दो हैं अलग अलग जो आपने नहीं, बताया अभी? बीज मंत्र में दो ये लाइन है ना एक सर? नहीं है, दो हैं ये अलग अलग, इनमें से कोई अलग सा अलग तीन। है ना इनमें से? हाँ कोई सा एक तीन। कितनी बार सर, कितनी बार करना होता हाँ है? वो अच्छा आपका आगे आएगी गिनती, आपकी बताऊंगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है सर। तो कलयुग के अंदर ये दिया गया है कि भाई आप जो है कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब अपनी मम्मी से करा लीजिए, अपनी सिस्टर से करा लीजिए, अपनी पत्नी से करा लीजिए, जो भी श्रद्धा पूर्वक आपके लिए करे, संकल्प लेके आपके उसमें आप वो करवा सकते हैं मंत्र। चंद्र का वैदिक मंत्र दिया हुआ है, ये चंद्र का वैदिक मंत्र है, इसकी संख्या 11,000 होती है और 10% 1,100 होता है इसका। तो चंद्रमा से जो है वो मन में हमेशा भय, डर, चिंता और साथ ही समस्या होती है। अगर किसी को ऐसा रहता है कि एंजाइटी रहती है मन में, हमेशा डर रहता है, भय रहता है, चिंता रहती है, तो उसको चंद्र के बीज मंत्र जरूर करने चाहिए। और मंडे से मंडे के बीच में 11,000 मंत्र कर लो, आपको बहुत बेइंतहा फायदा मिलेगा। और अधिक ज्यादा अधिक भय रहता है तो दुर्गा का मंत्र कर लीजिए, लेकिन मंत्र जो है आपको 11,000 करने हैं, और 11,000 मंत्र करने के बाद आपको हवन करवाना है। अगर हवन नहीं करवाते तो 10% मंत्र एक्स्ट्रा करें। और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्याम श्रीम सोम सम चंद्र से नमः। बहुत सिंपल चंद्रमा का बीज मंत्र है। चंद्रमा किसी का पीड़ित हो आप उसको बोलो भाई ओम सोम सोमाय नमः, तुझे ये मंत्र करना है, तो वो मंत्र आराम से करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलते फिरते बैठते उठते। ये अजपा जाप है, ऊपर वाला जो श्लोक दिया हुआ है वो जाप है, नियमित जाप के सामने आता है, नीचे वाला जो आता है वो अजपा जाप में आता है, कि जो आप चलते फिरते बैठे घूमते उठते कर सकते हैं। मंगल का वैदिक मंत्र भी ऐसे ही है, उसके वैदिक मंत्र की संख्या भी 10,000 होती है, 10% एक्स्ट्रा होता है, और मंगल से मंगल के बीच में वो खत्म करना होता है। मंगल का वैदिक मंत्र बहुत जरूरी है, ओम अग्नि मूर्धा देव कुपति पृथ्वी अमयम अपराधी से जीनती। मंगल के बीज मंत्र हैं ओम ओम अंगारकाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रों से भौमाय नमः, ये बीज मंत्र हैं। कोई सा भी बीज मंत्र आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें। ये बीज मंत्र में थोड़ा सा तांत्रिक मंत्र आ जाता है, नीचे वाला ये बीज मंत्र होता है स्पेसिफिकली, बिल्कुल बीज मंत्र होता है। तो इनमें से कौन सा भी मंत्र आप कर सकते हैं जो करना चाहें आप। सर ये 10% इसलिए लिखा है ना, अगर जाप ना करा पाए अगर तो, आप हवन ना करा पाए तो हवन ना करा पाए। ठीक हवन कराना चाहिए, वैसे बेस्ट तो यही है कि आप 10,000 11,000 10,000 करके उसके बाद हवन करा लीजिए, छोटा मोटा हवन करा लीजिए, और उसमें हवन कराने के बाद उसके बाद इसको आपका ये पूरा हो जाता है जब। और नहीं हवन करा हवन पाए में, तो हवन में कितनी आहुति है, कितने संख्या का उपकरण के लिए हवन ये में? इतने ही मंत्र का, 700 मंत्र का ओके जो मंत्र बाकी है 10% आपके, तो उसका वो हवन हवन आपको कराना मंगल पड़ेगा, नहीं का तो आपको करना खुद है, करने पड़ेंगे। वो स्पेसिफिक प्लेनेट का हवन होता है सर? हाँ, स्पेसिफिक प्लेनेट का हवन होता है। ऐसे ही बुध का वैदिक मंत्र दिया हुआ है, उसके बीज मंत्र भी हैं ओम ओम बुधाय नमः, बहुत सिंपल है बीज मंत्र उसके, उसका वैदिक मंत्र भी है। गुरु का वैदिक मंत्र है, उसकी संख्या 19,000 होती है,
19,000 में 10%, यानी गुरुवार से गुरुवार तक करना है आपको। गुरु का वैदिक मंत्र, किसी का गुरु बहुत पीड़ित है, किसी लेडी का गुरु बहुत पीड़ित है, उसके संतान से उसकी नहीं बनती, संतान प्रॉब्लम हो रही है या पति से प्रॉब्लम हो रही है, उसका गुरु बहुत पीड़ित है, तो उसको अगर गुरु की संख्या ये करे जब संख्या 19,000 गुरुवार से गुरुवार तक, तो वो इंतहा फायदा उसको। और वही 10% है, हवन कराए या 10% एक्स्ट्रा करे। सर, एक वीक में गुरुवार से गुरुवार या फिर दो तीन वीक्स में गुरुवार नहीं से नहीं बीच में गुरुवार? एक गुरुवार से एक गुरुवार तक, अगर आज गुरुवार को शुरू किया है तो नेक्स्ट गुरुवार तक खत्म कर दीजिए। अच्छा, एक वीक में। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर ही। शुक्र का जो मंत्र है वो 16,000 होता है, वो भी आपका शुक्रवार से स्टार्ट करना है आपको, शुक्रवार तक खत्म कर देना है आपको। हवन कराना है नहीं तो 10% एक्स्ट्रा आपको कराने हैं, मंत्र वो कराने हैं। शुक्र का बीज मंत्र बहुत सिंपल है, म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना। ओम शुम शुक्राय नमः, बहुत सिंपल मंत्र है इसका। शनि का वैदिक मंत्र भी बहुत है, उसका 23,000 मंत्र करने पड़ते हैं शनि के वैदिक मंत्र। शनिवार से स्टार्ट करके नेक्स्ट शनिवार तक आपको 23,000 बार वो करना पड़ेगा, 10% आपको करने हैं। ओम शम शनो देवी भगवंतो पीतिये सयोरभि स्वतंतु नः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका वो है। अब जैसे अरुण जी ने पीछे पूछा था कि वैदिक मंत्र जो है उसका क्या जाप है, तो उसके लिए कम से कम ये होता है कि 45 दिन तक एटलीस्ट आपको एक माला करनी जरूरी है। अगर वैदिक मंत्र आप कर वो सॉरी बीज मंत्र आप करते हैं तो 45 डेज तक एक माला आप जरूर करें, ज्यादा कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 45 डेज का मिनिमम पीरियड है जो डिफाइंड है, उस तक एक माला डेली करनी चाहिए। और जितना आप कर सकते हैं उतना आप करते रहिए, 5 माला कर लीजिए, 6 माला कर लीजिए, 45 डेज तक बहुत हो जाएगा। और 5 माला कर सकते हैं आप, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलने में कितना वक्त लगा आपको? कुछ भी वक्त नहीं लगा। आप उसकी रोज 3-4 माला कर लीजिए, चलते फिरते ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं वहां कर लीजिए, ट्रेन में बैठे हैं वहां कर लीजिए, कहीं भी बैठे हैं वहां कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान का नाम भी आपके हमेशा जुबान पर रहेगा और मंत्र भी हो जाएगा आपका, सिद्ध हो जाएगा। 45 डेज तक आप कर लीजिए इस चीज को। राहु का वैदिक मंत्र भी दिया हुआ है, 18,000 मंत्र होते हैं उसके, और 10% उसके एक्स्ट्रा करने होते हैं, वो भी जैसे शनि से शनि तक, और ये भी शनिवार से शनिवार तक करने, क्योंकि कहते हैं राहु शनिवत राहु कुजवत केतु। कुजवत केतु मीन्स कि केतु मंगल की तरह काम करता है, तो राहु का भी मंत्र आपको 18,000 करने हैं, 10% एक्स्ट्रा करने हैं अगर हवन नहीं करवाते हैं तो, और शनिवार से शनिवार के बीच में आपको ये कराना। ओम राम राहुए नमः, बीज मंत्र बहुत सिंपल है, अगर आप वो मंत्र नहीं कर सकते तो बीज मंत्र कीजिए। और वही जो मैंने आपको बताया कि एक दो माला डेली 45 दिन तक आप करें इसकी, जितनी माला कर सके उतनी करें, लेकिन एक माला तो मिनिमम होनी चाहिए यार। केतु का वैदिक मंत्र भी, जब संख्या 17,000 है और इसको मंगल से मंगल तक करना है, क्योंकि केतु का मैंने बताया कुजवत केतु, तो मंगल से मंगल तक केतु का मंत्र करना है आपको, ये फिनिश करना है। और केतु का बीज मंत्र भी बहुत सिंपल है, ओम कोम केतुवे नमः, बहुत सिंपल बीज मंत्र है, ये आप कर सकते हैं डेली की 3-4 माला और 45 दिन तक, अगर आप नहीं करना चाहते हैं कुछ वैदिक मंत्र नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत आपके उसमें थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि माला के रूप में आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं सभी मंत्रों को, और मंत्र आरंभ करने के लिए जैसे सभी शुभ कार्य करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य आपने करना है तो उसके लिए शुक्ल पक्ष को बहुत अच्छा माना गया, इसलिए शुक्ल पक्ष से मंत्र आरंभ करें। जैसे सूर्य का मंत्र आपने करना है तो रविवार से स्टार्ट करें, और रविवार शुक्ल पक्ष का हो और रविवार से रविवार तक खत्म कर दें इसको। और सर, शनि तुलसी राहु की माला क्योंकि भी तो होती है, तुलसी की माला भी तो होती है सर, एक जैसे सेकंड एक रुद्राक्ष, सेकंड उसे मैं भी पहले क्या? बता लूं, पहले पूरा फिर बता। मंत्र आरंभ करने के लिए सभी शुभ कार्य आपको करने पड़ते हैं, शुक्ल पक्ष को माना गया है शुभ जो माना गया है, तो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें और शुक्ल पक्ष में उसको खत्म कर लें, फिर संडे टू संडे खत्म कर लें। शनि राहु केतु और मंगल, इनको कृष्ण पक्ष में स्टार्ट करना है, इनके मंगल को। और ये जो अजपा जाप है, ये महिलाएं अगर मंथली कोर्स में भी चल रहा है, वो चल रहा है, मासिक धर्म भी चल रहा है, तब भी वो ये समय भी मंत्र कर सकती हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कुछ पुराने जमाने में बोलते थे कि अगर मासिक धर्म हो तो उस वक्त नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अजपा जप के लिए कोई नहीं है, वैदिक मंत्र के लिए जरूर है बट अजपा जप के लिए नहीं। अजपा जप जब मर्जी कर सकती है, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श नहीं करती। सर, ये ठीक है? जो शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जो जब बताए आपने, तो वो हाँ कौन से स्पेसिफिक तिथि से शुरू करना चाहिए या वार से? नहीं, जैसे आपको सूर्य का स्टार्ट करना है तो संडे को स्टार्ट करना है, तो शुक्ल पक्ष का संडे देखिए कोई ओके,
किसी का सोमवार का चंद्रमा करना है तो सोमवार का शुक्ल पक्ष का सोमवार देखिए, और आपको राहु का करना है तो शनि देखिए आपका कृष्ण पक्ष का, वहां से स्टार्ट कर दीजिए। तो जब जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप दान कर सकते हैं। अजपा जप के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अजपा जप जो मैंने आपको बताया कि जो चलते फिरते आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको सात्विकता की जरूरत नहीं है और उसकी संख्या की भी कोई सीमा नहीं। मैंने आपको बताया कि आप 45 डेज तक कर लीजिए, एक माला रोज कर लीजिए, लेकिन इसकी संख्या की कोई सीमा नहीं है, इसको आप कितना ही कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि आप नहाए धोए होने चाहिए जी, आप तो बिल्कुल नाक ही करेंगे इसको, बिना नहाए धोए नहीं कर सकते, कोई सात्विकता की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, जो करते हैं वो करते रहिए और मंत्र करते रहिए, उस पर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, या आपको इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना है, उसकी कोई संख्या सीमा अवेलेबल नहीं है। और जब भी यज्ञ हो तो हवन की विधि है कि एक मंत्र के बाद 5 लोग स्वाहा अगर बोलते हैं तो 5 गुना के बराबर हो जाता है, जितने लोग स्वाहा बोलेंगे उतना ही गुना मंत्र बन जाता है। एक मंत्र बोला गया और 5 लोगों ने बोला स्वाहा, तो वो 5 टाइम का मंत्र हो जाता है। तो इसलिए यज्ञ की बहुत इंपॉर्टेंस है, यज्ञ में जितने लोगों को बुला के बुला सके आप, हवन जितना कराएं, जितने लोगों को बुलाएं बैठाएं और स्वाहा करवाएं, तो बहुत बढ़िया होता है। कई बार हम लोग सिंपल बैठ जाते हैं, अकेले अकेले बैठ के ही करते रहते हैं, तो वो इतना ज्यादा ठीक है, अच्छा है, मंत्र तो उसमें हो रहे हैं, पूरे मंत्र आपने किए, लेकिन उसका 5 गुना हो जाते हैं अगर आपको 4-5 लोग बैठे होते घर के और चारों पांचों उसके अंदर सामग्री की आहुति दे रहे होते, तो वो सब चीजें भी बहुत ध्यान देने वाली इसके अंदर पड़ती। मतलब सर 700 अगर करनी है हमें, अब 5 लोग हैं तो 140 बार अगर आहुति डालेंगे वो 700 के बराबर होगा। 700 के बराबर हो जाएगा आहुति, अच्छा ठीक है ठीक है। सर, फिर मंत्रा सिर्फ 140 ही बोलने के। देखिए श्यामल जी, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा हम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, 700 मंत्र हैं तो 700 ही करा लें। मैं तो बताया है उसके अंदर शास्त्रों में कि अगर 700 कराओगे तो उसका 3500 का फल पावर होगा। नहीं, उसका पावर इतना बढ़ जाएगा 5 गुना, हाँ, मतलब 5 गुना ऐसा हम पावर ले बढ़ सकते जाएगा, हैं 5 गुना 700 पावर बढ़ 700 जाएगा, करो, लेकिन इफेक्ट 5 टाइम्स मिलेगी आपको, फाइव ऐसा टाइम्स मिलेगा, पावर बढ़ करना। हाँ जाएगा, करना तो उतना ही है, करना तो करना तो उतना उतना ही ही है। अब है, मतलब उसको हम ये नहीं वही सोचे कि भाई एडवाइस। 140 बार करा लें, 5 बार 5 आदमी करा लें, तो वो नहीं। 700 को बिठा दिया, तो एक ही बार एक ही किया खत्म, ऐसा हाँ नहीं होगा हाँ हाँ वो चीज आप कुल मिला के संख्या पूरी होनी चाहिए। संख्या पूरी होनी चाहिए, जितने आदमी करेंगे उतनी ज्यादा हाँ आपकी उतनी गुनी बन जाएगी, उसमें उतनी असर 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 उतनी अधिक हो बढ़ेगी जाएगा। ऐसा। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि अगर हम YouTube से कोई मंत्र सुन रहे हैं तो आंखें बंद करके ध्यान लगा के सुनना चाहिए, जैसे हम ही कर रहे हैं। मतलब YouTube में थोड़ा सा होता है ना कि ये लोग कहते हैं जी कि मुझसे तो मंत्र किया नहीं जाता, मैं तो YouTube से सुनूंगा, तो अगर YouTube से आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, लेकिन आंखें बंद करके सुनिए जैसे हम ही कर रहे हैं उसको, मतलब खो जाइए उसके अंदर मंत्र में। ऐसा नहीं कि YouTube से मंत्र चल रहा है और आप अपना काम में लगे हुए, आंखें बंद करके बैठिए, तसल्ली से सुनिए और तब उसका मंत्र का आनंद लीजिए। वो ऐसे सुन के लगा के इसको और बैठ के घूमते हुए आप अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस मंत्र का कोई फायदा नहीं उसके लिए। तो फिर अजपा जप ठीक है कि आप वो मंत्र बोलते रहिए और ऑफिस तैयारी करते रहिए, लेकिन YouTube से सुन रहे हैं आप तब तो आपको ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुंह से नहीं बोल रहे आप। और भ्रांति कोई नहीं रखनी चाहिए कि नीचे ग्रह का मंत्र नहीं करना है या उच्च ग्रह का दान नहीं करना है, सब मंत्र और सब दान किसी भी ग्रह का आपको किया जा सकता है, कोई भी ग्रह के अंदर आपका फर्क इस चीज का नहीं पड़ता। ये चीज थी जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको इसके अंदर आज बताई, जो ध्यान रखनी है हम लोगों ने आगे। और इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक हमारा वैदिक मंत्र करवा रहे हैं, अगर हम जैसे श्यामल जी कह रहे थे कि किसी का संस्कृत उच्चारण अच्छा है और वैदिक मंत्र हम अपने आप कर लें, करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक आपको सात्विक रहना है, खान पान का पालन, समय संयम का पालन करना है, उस समय में दान भी नहीं करना है, आपको मैथुन नहीं करना है, शेव और बाल भी नहीं कटवाने। मतलब एक एक हफ्ते में वो करना है, तो एक हफ्ते तक हमको ये सब सात्विक रहना ये है, तो वो सात्विक तो रहना एक हफ्ते में पड़ेगा। ही खत्म कर, एक हाँ हफ्ते में ही खत्म करना है ना हमको, तो हाँ फॉर दैट वीक हमको सात्विक रहना पड़ेगा ऐसा। बिल्कुल, अगर आप वैदिक मंत्र करना चाहते हैं और अजपा जप करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं। अजपा जप में तो आप कर सकते हैं, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम राम राहुए नमः, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम, उसके अंदर आप अपना जैसा रहें वैसा रहते रहिए, जो खाते हैं खाते रहिए और अपना आराम से मंत्र करते रहिए, कोई दिक्कत।
सभी मंत्रों को दिन में ही करना है, जो वार हो उसका पहला हो रहा पहला होता है। आप पूरा जानते होंगे कि हर हमारी टोटल मिला के 24 होरा होती है। होरा मीन्स 1 घंटा एक तरीके की हो जाता है, 24 आवर्स होते हैं। तो हर वार का जो पहला घंटा होता है वो सूर्य उदय में, वो पहला होरा उसी वार का होता है, फिर दूसरा होरा दूसरे वार का हो जाता है। जैसे सूर्य 6:30 बजे जब उगता है, तो रविवार के दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर 1 घंटा 7:30 तक पहला होरा सूर्य का होता है। तो उस होरा से मंत्रों का जप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपको शुक्ल पक्ष आपने डिसाइड कर लिया कि सूर्य का मंत्र आपने करना है, तो शुक्ल पक्ष से करना है रविवार को, तो रविवार रविवार की पहली होरा से कर लीजिए। देख लीजिए कि पहली होरा कितने बजे है इसकी, वो आपको सीधा सब सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है, मोबाइल्स के अंदर मिल जाती है, ऐप है, हिंदू पंचांग हिंदू कैलेंडर ऐप बने हुए हैं, उनमें सब में मिल जाती है कि पहली होरा किस चीज की है। तो शुक्ल पक्ष को स्टार्ट कर रहे हैं, पहली होरा को स्टार्ट कीजिए और रख लीजिए, कर दीजिए। और ये जो देसाई साहब पूछ रहे थे कि महादशा, तो उसका मंत्र को आप भी अजपा जप में भी उसका मंत्र भी आप रख सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं, 1 सेकेंड। तो अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि मंत्र बहुत सारे हो गए हैं, इसके बाद क्या चीज आती है? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग दान लेंगे, दान पर चलेंगे। अभी आपको लग रहा है कि मंत्र बहुत ज्यादा हुए हैं, मंत्र बहुत ज्यादा नहीं, वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है, कुछ नहीं बताया गया इसका, कोई ना कोई करना है आप। वैदिक मंत्र के लिए आपको सात्विकता का पालन करना है, बीज मंत्र के लिए आप आराम से जैसे रहते हैं वैसे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस शुरू करने का आपको बता दिया कि जब भी आप शुरू करें शुक्ल पक्ष में शुरू करें, संडे को शुरू करें अगर सूर्य का करना है तो, अब पहली हो रहा ना करें सूर्य की पहली हो, बस उसके बाद शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी संडे तक खत्म कर दीजिए। ये होरा हाँ, कैसे देखते हैं वो आप एक बार बताएंगे प्रैक्टिकल? होरा आपके पास, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक इसमें प्रैक्टिकली तो उसमें मिलना मुश्किल है, मतलब ये समझिए आपकी जो तो सूर्य उदय होता है ना, किसी भी दिन जो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय से पहला घंटा जो होता है वो उसी दिन की होरा होती है। मतलब मान लो कि मुझे मंगल का करना है तो हाँ, मंगलवार के सूर्योदय के टाइम पे कर दे, ऐसा? 6:30 7:30 जो होगा ना टाइम, सूर्योदय अगर 6:30 बजे होता है तो 6:30 7:30 का टाइम जो है वो मंगल की होरा होगी। इसको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ना ये आपका ऐप है मोबाइल में हिंदू कैलेंडर के नाम से, उसके अंदर चौघड़िया होरा ये सब चीज दी हुई है, तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पहली पहली होरा कितने से कितने बजे से कितने बजे से कब तक है सूर्य की, उसके बाद किसकी होरा आएगी। उसमें शायद ऐसा होता है, मेरे दिमाग से थोड़ा सा भी निकल रहा है, कि पहली होरा तो होती है उसी वार की, जैसे सूर्य को देख रहे हैं हम लोग, हाँ दूसरी होरा जो होती है वो शायद उससे 5वीं बार की है, यानी पहली होरा सूर्य की होगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज। कहीं से आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये आपको देखना है होरा का, वो हिंदू कैलेंडर ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, उसमें आप कुंडली भी बना सकते हैं, उसमें आप पंचांग भी देख सकते हैं, उसके अंदर आप शेयर कर रहा हूँ सर मैं ग्रुप में। सर सबसे पहले सूर्य वो तो की, है, उसके बाद शुक्र की, फिर बुध की, फिर चंद्रमा की, फिर शनि की, फिर बृहस्पति की, ऐसे करके हाँ प्रतिदिन सभी ग्रहों की होरा होती है हाँ अब वो रिपीट होती रहती है, और दिन की भी होती है, रात की भी होती है, सभी ग्रहों की। सभी ग्रहों की होती है, वही बता रहा हूँ। तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, ऐप के अंदर, हिंदू कैलेंडर ऐप है, उसके अंदर आप देख लीजिए, आपको सारी मिल जाएंगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं, सारी चौघड़िया भी, होरा भी, सारी चीजें रहती मिल हैं, जाएंगी, होती। तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपका आज का हमारा शुरुआत थी, आगे आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, थोड़ा क्लास के अंदर। अच्छा, श्रीकांत जी आए हैं, श्रीकांत जी
जी, मैं ही बता रहा अच्छा आप ही बता रहे हैं, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। जी। मैं आपको ढूंढ पीछे देख भी रहा था, मैंने कहा वो श्रीकांत जी शायद नहीं आए, तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, पूजा कराने चला गया था, अभी आया जिससे तुरंत हाँ, तो वो लिया। होरा की बात ही हम लोग कर रहे थे, तो जी वो जी जी होरा जी इसके अंदर पंचांग में, हिंदू कैलेंडर में ऐप के अंदर मिल जाएंगी जी आपको। हाँ। चलिए और ठीक है, एक सर ये बात कर रहे थे माला की, तो तुलसी की माला जो है सिर्फ भगवान विष्णु के जाप के लिए ही अनिवार्य है, इनको बता दो, बाकी चीजों में नहीं, बाकी जो ग्रहों का जाप है वो रुद्राक्ष की माला ही बताई गई बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे ख्याल बबलू, अरुण कुमार शर्मा जी का क्वेश्चन था शायद है। कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ जी, यही था सर। हाँ, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। देखिए श्रीकांत जी के होने से हमें कितने, क्योंकि कर्मकांड के स्पेशलिस्ट हैं ये और आचार्य हैं BHU के, तो इनके होने से हमें बहुत चीजें फायदा मिलेगा, और आप लोगों को तो बहुत फायदा मिलेगा इनके यहाँ होने से। बहुत अच्छा है, मतलब प्रोग्राम आपका ये रहेगा, इसको एंजॉय कीजिए। और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे, और जो EMM वाली क्लास हमारी बाकी रह गई है ना, एक क्लास हमारी श्यामल जी, वो कल कर रहे हैं, वो कल हाँ कल हम सवा सात कर बजे करीब कर लेंगे, वो खत्म कर लेंगे कल हम उसको। रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अभी ये जो श्रीकांत जी ने बताया बताया कि रुद्राक्ष की माला, लेकिन अभी बाजार में ओरिजिनल है कि नहीं है, मतलब किस तरह से फिर रुद्राक्ष की नहीं माला? रुद्राक्ष आप लाइए और उसको पानी में डाल के आप देखिए, अगर वो डूबती है तो ओरिजिनल है, अगर नहीं डूबती है तो वो लोकल है। दूसरा ये है कि उसमें की एक अगर मान लिया मनका निकाल के आप गर्म तेल में डालोगे, अगर वो फट जाती है तो लोकल है, अगर नहीं फटती तो ओरिजिनल, कई चीजों से देखा जाता वैसे रुद्राक्ष अभी में मैंने आपको ऐसा मिलेगा नहीं, रुद्राक्ष आपको ठीक मिल जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत नहीं, ऐसा महंगा आइटम नहीं है। मैंने हाँ, अभी एक मुखी रुद्राक्ष की बात करने लगे अगर आप, तो वो तो दुर्लभ है, बट पांचमुखी महंगा रुद्राक्ष दिए है बहुत और महंगा मिलेगा दिए, भी नहीं, ऐसा नहीं। बट पंचमुखी रुद्राक्ष नहीं, आपको अभी नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि जितने अभी भी रुद्राक्ष पैदा लेकिन होते हैं मैंने मैंने पंचमुखी ज्यादा होते हैं उसमें। हाँ नहीं, अभी मैं आपको एक बात, मेरे मैंने एक रुद्राक्ष का जो नेपाल से जो फ्रूट मतलब पेड़ था वहां से मंगवाए मैंने रुद्राक्ष, और मेरे अभी जैसे श्रीकांत जी ने बताया, लेकिन वो रुद्राक्ष ओरिजिनल मेरे सामने फ्रूट में से निकाला है, यानी फेक होने के कोई चांसेस नहीं है। आपके पास अगर हो लेकिन तो यही अभी दिखाइए, मैं बताता हूँ, अगर हो तो एक बार दिखाएं। हाँ, एक मिनट में दिखाऊंगा। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर एक जैसे बोलते दिख रहा है सर, हैं कि जैसे सूर्य और शनि है दोनों आपस में पिता पुत्र में भी शत्रु भी है, पंकज एक मिनट, पंकज एक मिनट, ये दिख रहा है आपको या फोटो पे थोड़ा भी? और आप फोटो सर्विस में भेज देना, फिर मैं देख के बता दूंगा आपको। ओके, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, क्योंकि ये व्हाट्सएप मेरे सामने वो मंदिर के पुजारी ने मंगवाया, मैं डेली मंदिर जाता हूँ ना, तो नहीं, वो बाबा बिल्कुल मैं मंदिर के। आपकी आपकी बात मानता हूँ, एक रुद्राक्ष के पेड़ में सिर्फ एक ओरिजिनल फल होता है, पूरे फल ओरिजिनल नहीं होते, एक पूरे साल में एक फल ओरिजिनल अच्छा उसमें मिलता है बस। अच्छा ओके ओके ओके, तो फिर चलिए, ये हाँ कहाँ पंकज कहाँ कुछ हमको पूछ रहे थे तुम, पंकज। मिलेगा? हाँ यस सर, हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सूर्य और शनि है दोनों आपस में शत्रु है, हाँ और किसी की कुंडली में दोनों पॉइंट जो है वीक है, ये कहाँ से आवाज कहाँ से आ रही है, किसका तरफ से आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा म्यूट आवाज कर आ रही है, लीजिए बाकी लोग। सब लोग बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हाँ, सूर्य शनु शत्रु हैं आपस में। और किसी की कुंडली में दोनों वीक है, तो हाँ उस कंडीशन में दोनों के मंत्र जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए जाप तो जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि एक चीज तो ध्यान रखिए कि जो ग्रह सबसे ज्यादा पीड़ित है उसका जाप तो आपको लाइफ लॉन्ग करना है, उसको आज अजपा जप कर लीजिए आप, लाइफ लॉन्ग करिए, जो ग्रह पीड़ित है सबसे ज्यादा, वो तो आप छाट लीजिए कुंडली में जाकर आज अपनी कि कौन सा सर, ग्रह मेरे तो सबसे ज्यादा सारे वीक पीड़ित है सर, है। हाँ? मेरे सारे वीक है, नहीं, उनमें भी सबसे ज्यादा पीड़ित तो कोई ना कोई होगा ना सारे सर। सर, मतलब आपने सभी सभी अफेक्टेड है उसमें। मंगल लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है वो पंचमेश होके, वो पीड़ित है सबसे ज्यादा। हाँ, तो मंगल का आप जरूर करिए, आप जरूर मंगल करिए और लाइफ लॉन्ग कीजिए मंगल का, सर आपने क्लास में तो एक बताया था कि दिक्कत नवग्रह का मंत्र होता है, अगर आप वैसे नहीं करते हैं तो नवग्रह का मंत्र जो है डेली कर सकते हैं, वो क्या सब ग्रह के लिए होता है वो?
नहीं, वो नवग्रह का मंत्र कब बताया था मैंने? शुरू पहले एक बार क्लास में एस्ट्रोलॉजी एडवांस क्लास में एक बार नहीं, वो तो कह रहे हैं वो नवग्रह का मंत्र बताऊंगा। अलग है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि हाँ सुतो बुधस्य गुरु शिष्य कुरु शनि राहु केतु अच्छा सर्वे कुरंतु सुखम अच्छा कामना, वो तो अलग है। वो तो नवग्रह की शांति के लिए एक मंत्र कर दिया, वो तो उनके लिए है जो कुछ नहीं करवा पा रहे। लेकिन जो मंत्र हमने बताए वही अच्छा मंत्र करवाने हैं, वही जाप करवाना है और फिर वही हवन करना। सर ठीक है आपने ये बताया कि सर आपने ये बताया कि सभी ग्रह की पूजा दिन में होनी चाहिए, पर कुछ जगह ये पढ़ने में आया, देखने में आया कि कुछ स्पेसिफिक ग्रह के मतलब जैसे शनि है राहु केतु तो इनकी शाम में पूजा गुरु की सुबह जब किया जा सकते हैं, मंगल का सुबह कर सकते हैं सूर्योदय के समय। देखिए उसके अंदर क्या है ना, जैसे आपको बताया ना आपको मैंने कि कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष का बताया गया है आपको। अष्टपा जप तो आप जब मर्जी कर सकते हो, अष्टपा जप में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ध्यान रखना है। जो आपके वो वाले ग्रह हैं राहु शनि वगैरह जो है, वो कृष्णा की कृष्ण पक्ष में करना है, आपने बाकी का समय कृष्ण बताया पक्ष था दिन में में करना है, पर कुछ ग्रह जैसे शनि है राहु केतु है इनके जब ऐसे शाम में बताया गया है जी। कुछ आप बिल्कुल, आप जहाँ पढ़े हैं वो पुस्तक मैं बता रहा हूँ, उनमें क्या है, सूर्य अस्त के बाद शनि और राहु का, सिर्फ दो ग्रहों का बताया गया है कि शनि और राहु का सूर्य अस्त के बाद आप उपाय और जाप कर सकते हैं, बाकी ग्रहों का नहीं। अच्छा अच्छा और किसी का क्वेश्चन है तो चलें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं दान लेके। सर ये श्रीकांत जी से पूछना है कि ओरिजिनल रुद्राक्ष अब 100, आप जैसे बताया कि एक ही मिलेगा एक पेड़ में एक साल में, तो फिर हमें माला तो 108 करनी है, मतलब जाप एक नहीं, माला 108 देखिए होती है। मार्केट मार्केट में जो भी आ रही है वो, ये इतना ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है इसकी कि इसको मतलब लोकल दिया जा सके। आराम से 350-400 तक की आप अगर माला लेते हैं तो आपको ओरिजिनल ही के उसमें, ये मान के चलिए कि ओरिजिनल ही है। बाकी आज के समय में मार्केट में कोई चीजें ओरिजिनल है जो आपको मिलेंगी वो तो नहीं ऐसा नहीं नहीं वही है। तो वो जो मैं मेरा यही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे आप तो जी जी इसी जी के अंदर आपका यही है, आप कर्मकांड वगैरह सब आपको पता है, आप करते जी हैं पूजा पाठ वगैरह, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यदि मुझे सपोज ये चाहिए तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ। आप 0 पॉइंट वाली जो, उनसे जाके जहां भी दुकान में जाना उनसे बता देना रुद्राक्ष की माला चाहिए 0 पॉइंट की, और 0 पॉइंट की जो आती है वो ओरिजिनल, जो काली मिर्च आती है उससे थोड़े बीज बड़े होते हैं वो माला ओरिजिनल आती है, 0 पॉइंट याद रखना। अच्छा इसमें क्या एक चीज और भी आप है प्रोवाइड करवाते हैं? श्यामल जी, एक चीज और भी जी है इसके अंदर कि ये हाँ वर्ण के बोलिए। हिसाब से रुद्राक्ष बताया गया है कि ब्राह्मण वर्ण हो तो सफेद रुद्राक्ष, ऐसे करके बताए गए हैं काफी चीजें। वो आपको जब रुद्राक्ष हम पढ़ाएंगे तब उसके अंदर वो चैप्टर हाँ आएगा, आपको मालूम चलेगा। तो अभी जैसे श्रीकांत लेकिन जी ने तब कहा, तब जब जैसे वो आया तो फिर ये श्रीकांत जी जैसे इससे मतलब जुड़े हुए हैं, हाँ तो क्या वो हमारी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं कि जैसे ये हमको कुछ चाहिए किसी को, तो वो हम उनको पैसा ट्रांसफर कर दे और वो हमको हाँ प्रोवाइड हाँ बिल्कुल हेल्प ऐसा कर कर सकते हैं, सकते हैं कोई आप? दिक्कत नहीं है। श्रीकांत क्योंकि जी इसमें क्या बिल्कुल है कि हेल्प, हमको मतलब आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट रहेगा, या उनको पता है तो वो कुछ हद तक, तो फिर क्या लोग तो लकड़ी का ऐसे ही बना के भी दे देते हैं और फिर चीट करते हैं, बट देखिए जो कोई भी, रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी पूजा हो, कोई भी ऐसी चीज हो, श्रीकांत जी कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे बैच के लिए ये अवेलेबल है हमेशा, वो सब चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी चीज देख लेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके चलिए ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, नमस्कार सर, जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। कृष्ण।